बैट्समैन था लेग स्पिनर पिछले साल अंडर 13 खेलों फैसलाबाद की तरफ से। अच्छा माशाल्लाह, कौन कौन से पसंदीदा बॉलर्स बैट्समैन या ऑलराउंडर हैं? सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। कौन सी शॉट सचिन तेंदुलकर की आपको ज्यादा पसंद है? सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव बैक फुट पंच जो मारते थे ऐसे। ब्रायन लारा की कौन सी शॉट पसंद है? ब्रायन लारा की फुल शॉट बहुत कमाल। फुल शॉट आइडियल कौन है पुराने में? तो सचिन तेंदुलकर, जॉय रूट, विराट कोहली। यार सारे आपको पाकिस्तानी एंड पे। बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन ये है कि अब बुरा टाइम आया हुआ उसके ऊपर। इंडिया के भी कोचेज कहते हैं सारे अच्छे हैं, विराट कोहली हमारी टीम के भी अच्छे हैं लेकिन बाबर एक क्लास है। एक बार फिर लाहौर ट्रेनिंग सेंटर से आपसे रूबरू हैं और ये अकम में नौजवान जो आपको यंग टैलेंट नज़र आ रहा है, ये वो टैलेंट है जिन्होंने पहला जो अपना जो पहली जो प्रैक्टिस था वो पहला टेस्ट था वो क्लियर कर लिया। इनसे जानते हैं कि इनके तासुरात क्या हैं, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त जी। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से ये टेस्ट नहीं आए जी? बिल्कुल। बैट्समैन है या बॉलर है? बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर जी। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? कामरान गुलाम और फखर जमान। कामरान गुलाम और फखर जमान। क्या पहला जो है वो आपका हो गया, टेस्ट हो गया, उसमें क्या था, ट्रायल में क्या सीन हुआ? जबरदस्त ट्रायल हुए, पहले स्पिनर्स खेले, फिर फास्ट बॉलर के खिलाए हैं, ठीक ठाक अपना खिलाया हमें, काफी राउंड्स खिलाए हैं, चार चार पांच पांच राउंड खिलाए हैं, तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने। कितनी बॉल्स आपने खेली हैं? हर राउंड में तकरीबन चार चार पाँच पाँच बॉलर थे तो तीन तीन दो दो राउंड खिलाए हैं हर राउंड में, तो काफी ओवर बनते हैं, चार पाँच ओवर बनते हैं तकरीबन। अच्छा, और अभी दोबारा फिर आपका होगा टेस्ट ही होगा, ट्रायल दोबारा भी होंगे? अभी फाइनल ट्रायल होगा मेरे ख्याल से, अभी दो फेजेस रहते हैं, एक और फेज और उसके बाद लास्ट एक और फाइनल ट्रायल होगा। अब मैंने देखा है कि आपके हाथ में ब्लू कलर की है, ये क्यों ब्लू आपने पहनी है? सबने पहनी हुई है गाल भी? जी ये जो सब इस टेंट में है तो इन सबको ये ब्लू बैंड मिला है, ये सेकेंड फेज के लिए जिनकी सिलेक्शन हुई है वो लोग हैं। अच्छा सही, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक। आप भी बैट्समैन है वो लग भी रहे हैं, आपने तो हेलमेट शेलमेट सारा तैयार, बिल्कुल तैयार हैं आप, आपको ग्राउंड में भेजें और आप छक्के चौके लगाना शुरू हो जाएं। आपने भी ट्रायल पहला क्लियर कर लिया? जी ट्रायल पहला क्लियर। कितनी बॉल्स खेली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8-9 बॉल खेली। माशाल्लाह फिट जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? मेरा पसंदीदा प्लेयर विराट कोहली। विराट कोहली है, वेरी गुड। पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी प्लेयर? वो कामरान गुलाम। कामरान गुलाम, इनको भी कामरान गुलाम पसंद है और आपको भी कामरान गुलाम। ये जो इनकी लास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके बाद कामरान गुलाम हुई है, पहले भी पसंद थी? नहीं वो डोमेस्टिक थे, जिस तरह 2013 से अब तक परफॉर्म करते आए हैं, उनको अब मौका मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, 100 भी किया, बहुत अच्छा लगा। वैसे उनके साथ काफ़ी बार ज्यादतियाँ की गई हैं और इस बार उनको ऊपर लाया गया तो काफ़ी अच्छा लगा कि न्यू टैलेंट जो ऊपर आया है। जो दूसरा फाइनल ट्रायल है उसके लिए भी तैयार हैं भरपूर? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से ही हैं। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी पहला ट्रायल क्लियर कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बॉलर हैं या बैट्समैन? मैं राइट आर्म लेग स्पिनर। अच्छा माशाल्लाह, कौन सा फेवरेट बॉलर है आपका? मेरा शेन वॉन। शेन वॉन, यार बेहतरीन। तो आपकी एज क्या है? मेरी 14। 14 एज है, तो क्या चांसेस लग रहे हैं? इंशाल्लाह, अल्लाह से बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। कब से खेल रहे हैं? मुझे 4.5 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो मैं 10 साल का था जब क्रिकेट शुरू की थी। अच्छा, तो फिर अलीम डार से शुरू की, अब लाहौर कलंदर का अच्छा मौका मिला इधर, अब पहले राउंड में तो उन्होंने कर लिया, अब देखें सेकंड राउंड के लिए। घर वालों से कॉल पर बात हुई थी आने से पहले? जी हुई थी, उन्होंने ही भेजा था, घर वाले माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ, वरना घर वाले अगर बैकबोन ना आपकी सपोर्ट हो तो फिर आप क्रिकेट में नहीं जा सकते आगे। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपने भी हेलमेट शेलमेट पहना है, फुल तैयार हैं आप? बस सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं ट्रायल्स का। कब तक हो जाएंगे? वेट कर रहे हैं, अब देखें क्योंकि अभी तो पहला राउंड हो रहा है बाकियों का, क्योंकि हम तो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अभी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी ट्रायल दे रहे हैं, तो उसके बाद ही हमारा राउंड। पहले राउंड में कितनी बॉल्स खेली आपने? मैंने ऑलमोस्ट 7-8 बॉल्स खेली हैं। ओके जी, तकरीबन 2 राउंड बनते हैं। तो कैसा लगा जो बॉलर्स आ रहे हैं फेस कर रहे हैं, कि कैसा टैलेंट है बॉलर्स वाइज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये एक बेसिकली हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना टैलेंट शो कर सकें। पसंदीदा प्लेयर कौन सा आपका? मेरा निकोलस पूरन है। अच्छा यार, मतलब आपने सिर्फ छक्के ही लगाने हैं यार, इनको तो वेस्ट इंडीज का प्लेयर पसंद है यार, ये मतलब पाकिस्तान में भी वो ये चाहिए। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है, वो ये कि अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों गेम में खेल सकता है तो। अच्छा वैसे आपने अपने कैरियर में ज्यादा से ज्यादा कितने छक्के लगाए हैं? मैंने एक मैच में लगाए थे 7 छक्के। भाई फिर सही पूरा नहीं बनता है इनका। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी पहला जो था वो राउंड क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। कितनी बॉल्स खेली आपने? एक ही खेली है मैंने। एक में क्लियर कर दिया? यार कितना जबरदस्त बैट्समैन होगा, उन्होंने एक में क्लियर कर दिया। जी सर। अब दूसरा जो राउंड है वो कब है? वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। तो आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा? फखर जमान।
मैं लेफ्टी हूं। हैं ये कुछ करेंगे तो, पकड़ जमान आए भी हुए हैं जी, मुलाकात हुई है? नहीं अभी नहीं हुई, उधर जाने नहीं दे रहे। अच्छा चले, मुलाकात होती है तो बेस्ट विशेज आपके लिए। ये एक और जो है हमारे यहाँ पे यंग टैलेंट है, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज है आपकी? मेरी 14 ईयर। बैट्समैन है, बैट शेट तो बांधे हैं, ऑलराउंडर है? बैट्समैन हूँ, साल लेग स्पिनर, ओपनर बैट्समैन, साल लेग स्पिनर। पिछले साल अंडर 13 खेला हूं फैसलाबाद की तरफ। अच्छा माशाल्लाह, पीसीबी की तरफ। वेरी गुड यार, एनसीए कैंप भी किया और जो चैंपियन कप हुआ था उसके अंदर नेट बॉलर भी था। वेरी गुड माशाल्लाह। पसंदीदा जो ऑलराउंडर या पसंदीदा बैट्समैन या बॉलर, आपके तो तीनों ही पसंदीदगी हम शामिल करेंगे, कौन कौन से पसंदीदा बॉलर, बैट्समैन या ऑलराउंडर हैं? पसंदीदा बैट्समैन जो दो हैं पुराने, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, काफी अच्छे बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर पसंद है और ब्रायन लारा आपको पसंद है? सचिन तेंदुलकर क्यों पसंद है आपको? वो एक तो वो छोटी उम्र में क्रिकेट खेल के थे, एक तो वो उनकी शॉट्स बहुत। कौन सी शॉट सचिन तेंदुलकर की आपको ज्यादा पसंद है? सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव, बैक फुट पंच जो मारते थे ऐसे, थोड़ा सा दिखाएं तो सही। ये अभी हमें सचिन तेंदुलकर की जो कवर ड्राइव है गालबन वो करके दिखाएंगे, और इनके जो पसंदीदा है वो सचिन तेंदुलकर है। बैट भी पकड़ लेते हैं यार, इनको वक्ती तौर पर बैट दें। चले आ जाए भाई ये भाई आ रहे हैं। चले ये सचिन तेंदुलकर इनके पसंदीदा बैट्समैन है और इनकी वो कवर ड्राइव करके दिखाएंगे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आप मुंह भी उन्हीं की तरह करते हैं और बाद में वो ऐसे जो है। वेरी गुड यार, आप तो फुल कॉपी हैं उनकी। नहीं वो बल्कि उनसे काफी जो सीख रहा हूँ। क्या क्या सीखा अभी तक आपने सचिन तेंदुलकर से? मैं फारग टाइम में बैठा हूँ, मैं यूट्यूब पे उनकी बारी देखता रहता हूँ। कौन सी बारी उनकी आपको सबसे ज्यादा पसंद अब तक है? उन्होंने काफी अच्छी वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी थी 2011 वाली वो काफी अच्छी थी, मैं वो भी बारियां देखता हूँ। और ब्रायन लारा की है जो टेस्ट सीरीज में, ब्रायन लारा की कौन सी शॉट पसंद है? ब्रायन लारा की पुल शॉट बहुत कमाल, पुल शॉट। अभी पुल शॉट हमें करके दिखाएंगे ब्रायन लारा की। मैं राइट हैंड, चले आपने बस दिखा दें। ये ब्रायन लारा की अब करें जी, इनकी पुल शॉट करके दिखाएंगे हमें। वेरी गुड, चलें। ये हमारे एक यंग टैलेंट है, वैसे टंडू आपने बताया कि वो भी बहुत छोटी उम्र से खेल रहे थे इसलिए आपको सचिन जो है वो पसंद है। कितनी उम्र से वैसे खेल रहे थे अगर हमारे देखने वालों को पता चले? उन्होंने तकरीबन 16 साल की उम्र के अंदर अपना इंटरनेशनल का मैच डेब्यू कर, और आप इंशाल्लाह अभी आपने अंडर 13 तो खेल लिया है। हम अभी अंडर 13 तो खेल लिया, लेकिन अब प्लान है मेरा कि अंडर 15 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अंडर 15 के अंदर पहले सेलेक्ट हूँ, फिर उसका वर्ल्ड कप खेलूँ, फिर उसके आगे डायरेक्ट अंडर 19 टीम में साथ पाकिस्तान टीम। अभी आप रोजाना कितनी प्रैक्टिस, कितने घंटे करते हैं, कितने बॉल्स खेलते हैं, क्या प्रैक्टिस का क्या आपका है? मेरी अपनी प्रैक्टिस है ना, मैं साथ मेरा एक लड़का होता है, मैं उससे तकरीबन जो अकेडमी के अंदर करता हूँ 300 बॉल खेलता हूँ, 300-400, और वैसे नेट पे अलग खेलता हूँ। बॉलिंग करता हूँ तकरीबन, बॉलिंग का भी हमें कुछ एक्सीडेंट बता दें। बॉलिंग किसकी? बॉलिंग मैं राशिद खान की ज्यादा, राशिद खान की। चले हमें जो ब्रायन लारा की तरह जनाब ये पुल शॉट खेलते हैं और तेंदुलकर की तरह कवर ड्राइव, और जो बॉलिंग एक्सीडेंट है वो राशिद खान। मोहम्मद हाकिम रईस, ये हमारे भाई हैं, ये यंग टैलेंट हैं, और इस वक्त हम लाहौर जो है ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हैं जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं। और जो हाकिम हैं ये यहाँ पहला जो राउंड था वो क्लियर कर चुके हैं, अंडर 19 भी खेल चुके हैं। और बात की जाए पुल शॉट ये ब्रायन लारा की पसंद करते हैं, कवर ड्राइव जो है सचिन तेंदुलकर की पसंद करते हैं। आइडियल कौन है? आइडियल मेरे पुराने के जो नए जो भी हैं पुराने लगा लें, नहीं कोई आइडियल कौन सा, पुराने में कौन सा, नए में कौन सा? पुराने में तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और नए में? नए जो इस नए बैट्समैन में जी जी वो मेरा जो है रूट विराट कोहली, जो है रूट उसकी। यार सारे आपको पाकिस्तानी एंड पे? नहीं बाबर, मैं मतलब कि बाबर तीसरे नंबर पे। यार बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये है कि अब बुरा टाइम आया हुआ उसके ऊपर, सारे आप तो साथ ना छोड़े, साथ है उसके, हम साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन बाप ने बाबर को तीसरे नंबर पे रख लिया यार, वो जो है रूट। और मैंने आपको वैसे ही बताया है, मैंने आपको कहा है कि बाबर आजम स्टार है, बाबर आजम जैसा बैट्समैन अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आए हैं, लेकिन बाबर एक क्लास है अपनी। विराट कोहली इंडिया के भी कोचेज कहते हैं कि वो जो क्या उनका हेड कोच का नाम है वो भी कहते हैं कि उनसे सवाल हुआ कि कौन कौन सा अच्छा है दुनिया में बैट्समैन, उनका सारे अच्छे हैं, विराट कोहली हमारी टीम के भी अच्छे हैं, लेकिन बाबर एक क्लास है। वेरी गुड, बाबर इज अ क्लास। और ये हमारे हाकिम भाई थे जो कि पहला राउंड क्लियर कर चुके हैं और ट्रायल देने के लिए आए हुए हैं, और वर्सटाइल मैन है, बैट्समैन जो है वो दो
बड़े क्रिकेटर्स हैं जो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की कवर ड्रिप लैप और ब्रायन लारा की जो पुल शॉट कॉपी करते हैं और खेलते हैं, और जो बॉलिंग एक्सेंट है वो राशिद खान की तरह का। तो और भी जो है हमारे पास टैलेंट मौजूद है, ये अब तक का मुझे लगता है कि बेहतरीन टैलेंट था। थैंक यू।